पीछे मेरे मामे रोटेटिंग हेड है काफका का, जो कि नॉवलिस्ट है, और ये हर 15 मिनट में कुछ ड्यूरेशन में घूमता रहता है। तो जब भी घूमेगा वेट करते हैं जाके, और जब घूमेगा तो आपको दिखाते हैं। और चलो आ जाओ। Cool guys, so finally it's moving. अब भाई मैं इंस्टा के लिए ले लेता हूँ थोड़े शॉर्ट्स। सो दिस मूविंग हेड ऑफ काफका, दिस रिवॉल्व्स एवरी 15 मिनट्स एंड एवरी आवर। सो ये हर 15 मिनट घूमता है हर एक घंटे में, और काफ़ी अच्छा लगता है देख के। और ये एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन है प्राग में। जब भी आप प्राग में हो, मेक श्योर टू चेक दिस आउट। आज की जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है नेहरू स्ट्रीट, और वो देखने जा रहे हैं अभी। उसके बाद आज का दिन ख़त्म, फिर कल जो बचा है वो देखेंगे। सिटी के व्यू हर तरफ ही प्यारे हैं, बट वो जो नेहरू स्ट्रीट थी वो बंद थी। ये 80 चेक मिला, और तेरदलॉ मतलब स्वीट है, बट इतना भी सही नहीं लगा मेरे को। बट ठीक है, ब्रेड और जैम की तरह ही लग रहा है। यहाँ पे जो ये वाला स्टैचू है ना, और सारे स्टैचूज ओरिजिनल नहीं है। अब मेरे को नहीं पता कौन कौन से, बट यहाँ से लेके वहाँ तक और आगे भी है ओरिजिनल। कौन कौन सा है मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे सारे ओरिजिनल नहीं है। ये फैक्ट देखो, ये वाला बन रहा है अभी। फिर शाम के वक्त में चार्ल्स ब्रिज वापस आया और घूमा चार्ल्स ब्रिज देखते हुए, और मैं वापस अपने बेस पे जा रहा था चार्ल्स ब्रिज देखने के बाद। तो भाई अभी प्राग कैसल की तरफ जा रहे हैं, और पीछे वहाँ पे ना चेकिंग होती है, आपको बस अपना बैग निकालना होता है क्लोज, और उसके बाद फिर आप जा सकते हो आगे, और प्राग कैसल देखते हैं आगे। सो ये है प्राग कैसल, ये वाला। चलते हैं ऊपर, फोटोज तो खिंचाने के लिए लोगों को बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। रॉयल कैसल के अंदर जाते हुए, यस। इस कैथीड्रल को देखने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। Look how beautiful it is. Still, it's very pretty from outside, so
और स्लोवाकिया में काफ़ी हिस्ट्री हो गई थी जब उस कैसल में गया था। कैसल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लग रहा है डेकोरेशन में, और जो स्टाइल है इसका बहुत ही सही लग रहा है मेरे को। जो लोग जा रहे हैं अंदर उनका तो सही है, बाकी ये पीछे म्यूजियम है ल्यूडमिला का, वो आप हिस्ट्री देख सकते हो। मारिया थेरेसा यहाँ पे भी थी, उनका रूह यहाँ पे भी था। प्राग कैसल के पास से जो सिटी का व्यू था काफ़ी प्यारा, इट वॉज ब्रेथ टेकिंग लिटरली। सभी फ़ोटोज़ ले रहे थे, सभी वीडियोज़ बना रहे थे, सिटी का व्यू देख रहे थे। कल मैं लाइन में नहीं लग रहा था और आज इसके थिएटर में जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं पेट्रोनस स्टार लिफ्ट, जो डेथ एलिवेटर कहते हैं ना, उसे देखने। तो चलो दिखाते हैं, टाउन हॉल बिल्डिंग के अंदर आगे बस आपको लिफ्ट दिखा रहा हूँ। रुको ज़रा, थोड़ा सा रुको, सब्र करो। सो दिस इज द लिफ्ट, पेट्रोनस स्टार लिफ्ट इन प्राग, बैक ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राग सिटी टाउन हॉल। टू मच फन गोइंग अप एंड डाउन। यहाँ पे आपको फ्री में वॉशरूम भी मिल जाएगा एंड ऑफ द कॉरिडोर में, तो फ्री वॉशरूम के लिए तो यहाँ पे आओ आप, और वो एलिवेटर भी देख लो, डेथ एलिवेटर। So this is the Tower of Books. सोचो अगर एक किताब निकाली तो सारा फॉल भी हो सकता है। So भाई फाइनली ये ट्रिप अब एंड हो रहा है। जब प्राग में जो भी चीज़ें थी, जो जो मैं कवर कर सका था मैंने कर दिया। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और एज ए ट्रैवलर जब भी आप प्राग आओगे तो जो जो जगहें मैंने दिखाई हैं आप उनको घूमें, और अगर आपको वर्थ इट लगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपको भी घूमने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो और आप भी घूम के सारी चीज़ें सीखो, क्योंकि मैं जब घूमता हूँ तो मैं ज़्यादातर गूगल वगैरह के भरोसे इन्फॉर्मेशन लेता तो हूँ, बट उस पर मैं ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता। एक्सपीरियंसेस ज़्यादा मैटर करते हैं, ना कि हमेशा सारा दिन फ़ोन पे लगे रहो और देखते रहो। तो
आई बेसिकली प्रेफर टू लिव आउटसाइड द बॉक्स, मतलब घर के अंदर रूम के अंदर ना रहो, बाहर निकलो, चीज़ें देखो, लोकली देखो, नेशनली देखो, इंटरनेशनली देखो और घूमो, बहुत सारा घूमो, बस घूमकड़ी जारी रखो। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज, तब तक के लिए पीस एंड फिर मिलते हैं ना।